गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग गुड गाइस। सो ये जो कुर्ती मैंने पहना है ये मैक्स की है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैक्स कुर्ता हॉल, जो मैंने ऑफलाइन नहीं लिया है, मैंने ऑनलाइन लिया है फ्लिपकार्ट से। सो मोस्टली कुर्ती जो है वो फ्लिपकार्ट से है एंड कुछ कुर्तीज मिंत्रा से भी है। सो फ्लिपकार्ट की जो प्राइस है, कंपेयर करूँ मिंत्रा से तो फ्लिपकार्ट की प्राइस ज़्यादा कम है मैक्स कुर्तीज की, और मिंत्रा की प्राइस थोड़ी सी हाई है। बट एक दिन मैंने चेक करा था तो मिंत्रा की प्राइस भी काफ़ी कम थी, तो दो तीन कुर्तीज मैंने वहाँ से ली और कुछ कुर्तीज मैंने फ्लिपकार्ट से ली, जहाँ मुझे कम प्राइस मिला वहाँ से मैंने लिया। सो अंडर 1000 रुपीज की सारी कुर्तीज है। मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो माय हॉल स्टोर पे चेक कीजिए एंड जहां भी प्राइस अभी कम है उस साइट से आप ले सकते हैं। मैक्स कुर्तीज जो मैं आज दिखाऊंगी वो ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर, डेली कैजुअल वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कुर्तीज है। एंड पर्सनली मैं फील करती हूँ कि मैक्स की जो कुर्तीज होती है वो अफोर्डेबल भी होती है, उनके स्टफ भी बहुत अच्छी होती है और बहुत रफ एंड टफ होती है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारी मैक्स की कुर्तीज पहना है। वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड कमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट कुर्ती दिस वेरी ब्यूटिफुल ऑरेंज प्रिंटेड ए लाइन कुर्ता, हैज़ अ मैंडरिन कॉलर, थ्री क्वार्टर स्लीव्स एंड फ्लेयर हेम, मटेरियल इज 100% रेयन। सो इस कुर्ती का फ्लेयर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, लाइक मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, मैं इसकी फ्लेयर की फ़ैन हो गई। एंड बेस्ट पार्ट है कि फ्रंट पे जो प्रिंट्स आपको मिल रही है कुर्ती के बैक पे भी सेम प्रिंट्स मिल रही है। इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, सो मैक्स की जो कुर्ती की साइज़ होती है गाइस वो मीडियम काफ़ी लूज़ होती है, तो मैं प्रीफर करूँगी कि जो मीडियम पहनते हैं वो स्मॉल ही ले। सो इसके जो प्रिंट्स की कलर है ऑरेंज पे ग्रीन एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन, वो बहुत सुंदर लग रहा है। एंड आप चाहो तो एक बेल्ट भी लगा सकते हो, बट मैं विदाउट बेल्ट पहनकर आपको दिखा रही हूँ। एंड जो मैंने ट्राउजर पहना है उसका लिंक आपको माय हॉल स्टोर पे मिलेगा। रेयन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छी प्रिंट्स है, जल्दी नहीं निकलने वाली है, इतनी ब्यूटीफुल प्रिंट्स है। एंड ईयरिंग्स और जो जूती है ये मीशो से है। अगर मुझे कोड मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड मेंशन कर दूंगी एंड आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लेयर कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप चाहो तो इसे प्लाजो पे भी वेयर कर सकते हो, ये प्लाजो पे भी उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर से बताना। एंड अगर आपको कोई वेडिंग पार्टी में इसे पहनना है ना गाइस, तो भी आप इसे आराम से पहन सकते हो, बस आपको एक अच्छा सा गोल्डन सा दुपट्टा ले लो, प्लाजो डाल लो, हील्स डाल लो और ये उतनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगेगी। सो हाईली रिकमेंड करूँगी, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस पिंक एंड ग्रीन प्रिंटेड कुर्ती, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की कुर्ती है। तो ये गाइस टू पीस कुर्ती सेट है, ये जैकेट पूरा लाइक अलग हो जाता है, आप सिर्फ कुर्ती भी वेयर कर सकते हैं और जैकेट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। कुर्ती के पे राउंड नेक है, थ्री क्वार्टर स्लीव है, फ्लेयर हेम है, फ्रंट स्लिट है एंड बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है, 100% रेयन है। इस पे पूरी कुर्ती पे आपको ब्लैक प्रिंट्स मिल रही है एंड नीचे को आपको बहुत ही सुंदर से ब्लू एंड बीच कलर का प्रिंट बना हुआ है। ये कोई फॉइल प्रिंट नहीं है, ये कपड़े का ही प्रिंट है, तो कहीं भी निकलने वाला नहीं है। फ्लेयर काफ़ी अच्छी है एंड पिंक एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। जैकेट आप किसी जीन्स पे भी वेयर कर सकते हैं, सेम ट्राउजर मैंने डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हील्स एंड ईयरिंग्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैंने विटॉट जैकेट भी आपको दिखाया है कि विटॉट जैकेट ये कुर्ती आप वेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका जो जैकेट है गाइज वो कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे पर्सनली ये कुर्ती सेट बहुत पसंद आई एंड इस पे मेरा सेम मीडियम साइज मैंने लिया है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है, 100% रिकमेंड करूंगी। मुझे जो भी प्राइस मिली है आपको स्क्रीन के साइड पे सारा प्राइस मैं मेंशन करते जा रही हूँ, सो आप चेक करें, लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। माय नेक्स्ट आइटम इज इस वेरी ब्यूटीफुल पिंक एंड ब्लू कलर की कुर्ती, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है इस हॉल में। सो लाइट पिंक कलर की स्लीवलेस कुर्ती के साथ ये ब्लू जैकेट आ रही है, जिसपे थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, पूरी प्रिंट्स बनी हुई है, कुर्ती पे ब्लैक कलर की पूरी प्रिंट्स बनी हुई है, एक बटन है जिसे आप ओपन करके एज अ श्रग भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट कुर्तीज की मुझे ये लगती है। और यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं नीचे को, जो हाई मतलब एक लो एक हाई इस तरीके के डिज़ाइन की है, जिसपे बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की प्रिंट्स बनी हुई है। एंड इसका प्राइस अभी हाई है गाइस, 1500 रुपीज़ है, बट ये मुझे 989 रुपीज़ की मिली है और 950 रुपीज़ की, बट अभी इसका प्राइस लिटिल हाई है, बट इसका प्राइस कम होता है, आप चेक करते रहें। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्लावर्स आपको सामने मिल रही है, बैक पे भी मिल रही है
और 100% रेयॉन मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है। पिंक चॉइस की कुर्ती है, वो स्लीवलेस है, थोड़ी सी सी थ्रू है, बट जैकेट के साथ बहुत इजीली मैनेज हो जा रही है। एंड इसका जो लुक आ रहा है पहनने के बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप पिंक कलर की जो रेयॉन अंदर की जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मटेरियल है, क्योंकि थोड़ा सी थ्रू है, घेर इतनी है इसकी, बट बाहर का जो मटेरियल है जैकेट का वो बहुत ऑसम है। इसका नेकलाइन की डिज़ाइन, लाइक जो शेप बन रहा है, जो स्लीव्स की डिज़ाइन बन रही है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। नेक पीस जो मैंने पहना है उसका लिंक मैं डाल दूंगी अगर मुझे मिलता है तो। माइट भी ये थोड़ा पुराना, आई रियली डोंट रिमेम्बर कि ये मैंने कहाँ से ली थी, बट लिंक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हील्स जो मैंने पहने हैं वो मैंने शीन से ली है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। एंड इस पे मेरा साइज अगेन मीडियम है, बहुत लूज हो रही है, सो मैं प्रेफर करूंगी कि आप स्मॉल ही लो। जब भी आप मैक्स की कुर्ती पहनते हो, अगर आपकी साइज मीडियम है तो आप स्मॉल लो, लार्ज पहनते हो तो मीडियम लो, क्योंकि इनकी कुर्ती थोड़ी लूज होती है। मुझे ये कुर्ती सेट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। एंड जैकेट अलग से है, लाइक टू पीस सेट है ये अटैच कुर्ती सेट नहीं है। माई नेक्स्ट कुर्ती इज इस वेरी ब्यूटीफुल रानी पिंक कुर्ती, एंड इस पर बहुत ही सुंदर से एम्ब्रॉयडर वर्क बना हुआ है, येलो ग्रीन कलर की डोरी भी है सामने को। और ये इयर रिंग्स जो मैंने पहने हैं वो मिंत्रा से, लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी। सो यहाँ छोटी छोटी सी प्लीट्स बनी हुई है, बहुत ही लूज काइंड ऑफ कुर्ती है, बैक पे भी आपको प्लीट्स मिल रही है। सो पेयर शेप बॉडी या फिर जिनकी थोड़ी टमी है उनके लिए कुर्ती बहुत परफेक्ट है। एंड बेस्ट पार्ट है इस कुर्ती की कि जितनी सिंपल और डिसेंट है उतनी ज़्यादा स्टाइलिश है, क्योंकि इस पर हाई लो हेम है, तो इस तरीके से हाई लो हेम वाली कुर्ती बहुत स्टाइलिश लगती है। यही प्लेन होती तो माई भी उतनी स्टाइलिश नहीं लगती। इस पे मैंने पेयर करा है ये जीन्स जो ज़ारा से है, ऑफलाइन लिया है, लिंक नहीं दे पाऊंगी। और कुर्ती का मटेरियल 100% रेयॉन है, बहुत ऑसम है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। हील्स के लिंक आपको माई हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। सो गाइस मिंत्रा पे इसका करंट प्राइस 1200 है, मैंने इसे 700 में लिया है। फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस थोड़ा कम है, आप चेक कर ले। एम्ब्रॉयडर वर्क के साथ तो प्लेन कुर्ती बहुत ऑसम लग रही है, और इससे मैंने स्टाइल किया है जीन्स और जूती के साथ, जो परफेक्ट कॉलेज लुक है। अगर आप इस पे एक बोहेमियन बैग डालोगे तो कॉलेज के परफेक्ट है, अगर आप इसे ऑफिस में पहनना चाहते हो तो प्लाजो डालो, ऑफिस के लिए परफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो टिप एंड ट्रिक्स होती है जीन्स एंड प्लाजो की, इस तरीके से आप स्टाइल करोगे तो आप दोनों तरीके से दोनों जगह पहन सकते हो। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और इस पर अगर चूड़ीदार और दुपट्टा डालोगे तो पूरा एथनिक लुक देगा, जो कोई भी छोटा मोटा गेट टुगेदर में आप आराम से वेयर कर सकते हो। माई नेक्स्ट कुर्ती इज़ अगेन टू पीस कुर्ती सेट, ये स्लीवलेस कुर्ती अंदर को मस्टर्ड कलर की है और ऊपर से ये जैकेट है। सो जैकेट अलग से पहन सकते हो, ये कुर्ती अलग से पहन सकते हो, और साथ में तो दोनों बना ही है, सुंदर ही लग रही है। इस पर भी मेरा साइज़ मीडियम है, और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसका मटेरियल बहुत सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत, यानी ब्लू एंड मस्टर्ड कलर बहुत प्यारा लग रहा है। फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा दोनों का प्राइस आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने लिया है मिंत्रा से, जो मुझे 700 समथिंग रुपीज़ की मिली है। करंट इसका प्राइस थोड़ा सा ही बड़ा है, और इसकी जो प्रिंट्स है ब्लू पे वाइट बहुत ऑसम है। और जैकेट का मटेरियल रेयॉन है बट अंदर वाला कॉटन है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर लगी। ज़्यादा स्टाइल करने की इस पर आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डालोगे तो ये खूबसूरत लगेगी, इतने प्यारा पीस है। और इसी तरीके से एक और जो मैंने ब्लू दिखाई थी वो भी सिमिलर ही है, अगर उसका प्राइस आपको हाई लगता है तो आप इस पर भी जा सकते हो। इस पर एक और कलर ऑप्शन है जिसका लिंक मैंने आपको माई हॉल स्टोर पर दे दिया है। इस पर मैंने ये ट्राउज़र डाला हुआ है जो गोल्डन कलर का है, वाइट मेरे पास करंट मेरे स्टूडियो पर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला, बट वाइट के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। बट अगर आप इस पे बेल्ट लगा के वन पीस ड्रेस भी बनाना चाहते हो तो वो भी आप इस पे कर सकते हो, एक बेल्ट लगा लो और ये बिल्कुल एक ड्रेस लगेगी। हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत प्यारी ड्रेस है। फ्लेयर आप जैकेट की देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर से बताना। हील्स की लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी। ओके गाइस, सो मेरी नेक्स्ट कुर्ती भी वो सिमिलर है जो अभी मैंने इससे पहले पिंक कुर्ती दिखाई थी, उसी का सेम कलर मैंने लिया है, एक अपनी सिस्टर के लिए एक खुद के लिए। सो इस पे भी आपको येलो रेड प्रिंट्स मिल रही है, सेम कुर्ती है, सामने छोटी छोटी सी प्लीट्स है, बैक में प्लीट्स है, डोरी है, बिल्कुल एज इट इज़ है, बट कलर आप चॉइस कर सकते, ग्रीन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। और इस पे मैंने सेम गोल्डन ट्राउज़र डाला है, लिंक आपको मैं हॉल स्टोर पर मिल जाएगी। जूती मिशो से है, कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ।
पहनूंगी। अगेन बहुत कंफर्टेबल है, इस तरीके से आप ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। लास्ट पिंक कर कुर्ती पे जो मैंने जीन्स डाला था वो परफेक्ट है आपके कॉलेज के लिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से स्टाइल करोगे उस तरीके से आप कहीं पर भी वेयर कर सकते हो। दुपट्टा डालोगे तो कोई फंक्शन में भी, फैमिली फंक्शन में भी वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। ईयरिंग्स जो पहने हैं मीशो से है, लिंक नहीं दे पाऊंगी, मीशो की लिंक नहीं होती, कोड दे दूंगी। सो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे ये कलर बहुत पसंद आई। माई नेक्स्ट कुर्ती इज वेरी ब्यूटिफुल ब्लू एंड पिंक कलर की कॉम्बिनेशन की कुर्ती, टू पीस कुर्ती है ये, दोनों अलग है, आप दोनों को अलग अलग तरीके से वेयर कर सकते हो, अटैच नहीं है। सो ये बहुत ही सुंदर सा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क नेकलाइन पे किया हुआ है और स्लीव्स कुछ इस तरीके से जिसपे एक बटन बनी हुई है। सामने से कुर्ती पे पूरी कट आ रही है और अंदर को आपको एक स्लीवलेस कुर्ती मिल रही है जो बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत कंफर्टेबल है। साइज मेरा इस पे मीडियम है और बेस्ट पार्ट इस कुर्ती की है गाइस की फ्रंट पे आपको स्लेट मिल रही है, देन अगेन आपको साइड पे स्लेट मिल रही है जो कि हाई स्लेट है और जो कट है एस्ट्रामेटिकल हेम आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रही है। बैक पे भी कुछ इस तरीके की शेप है जो मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई, इस पे प्रिंट्स भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी कलरफुल है, ब्लू एंड ग्रीन। सो ये स्लीवलेस कुर्ती आपको मिल रही है एंड घेर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा घेर है, मतलब अगर आप ब्लू कोटी नहीं पहनना चाहते हो तो आप ये सिर्फ स्लीवलेस पहन सकते हो जैसे दुपट्टे के साथ, कुर्ती के साथ, और ये ब्लू कोटी को आप अलग से भी पहन सकते हो किसी भी प्लाजो। हील्स मिंत्रा से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो ईयरिंग्स मैंने पहना है ये ऑफलाइन है तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। साइज मीडियम है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर है, हाईली रिकमेंड करूंगी। माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज वेरी ब्यूटीफुल ग्रे कलर की कुर्ती। सो बहुत हद तक ये सिमिलर है लास्ट टू कुर्ती जो मैंने ग्रीन एंड पिंक दिखाई थी, बट इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है और जो प्लीट्स है वो डिफरेंट है। तो इस पर पिंक एंड गोल्डन कलर की डिज़ाइन लीव्स बनी हुई है। प्लीट्स इसकी आप देख सकते हो थोड़ी बड़ी बड़ी है। बैक भी इसकी बहुत डिफरेंट है, बट हाइलो हेम है। स्लीव्स भी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस पर मेरे को बहुत मीडियम साइज है, बहुत लूज हो रही है गाइस, उसमें मुझे स्मॉल लेती तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ईयरिंग्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी। और ये जो पैंट तो मैंने पहना है ये कपड़ा लेकर मैंने सिलवाया है, लाइक 60 रुपीज़ मीटर मैंने ये टफेटा मटेरियल लिया था और कुछ 100 रुपीज़ मैंने स्टिचिंग चार्जेस दिए थे, तो 220 रुपये की मेरी पैंट बन गई है और बहुत कंफर्टेबल मुझे लगी, बहुत सुंदर लगी। मैंने मैचिंग इसका दुपट्टा भी लिया है बट राइट नाउ मेरे स्टूडियो पे नहीं था इसलिए मैंने वेयर नहीं करा। इसकी बैक की जो प्लीट्स बड़ी बड़ी दी हुई है ना वो बहुत सुंदर लग रही है एंड मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। जूती जो है वो ऑफलाइन लिया, उसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी ये हॉल, मैक कुर्ती हॉल, और आपकी फेवरेट कौन सी है आप मुझे ज़रूर से बताना। और कुर्ती हाँ सी थ्रू नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, रेयन मटेरियल है, बहुत सुंदर है, हाईली रिकमेंड करूँगी। गाइज आई होप मैक्स कुर्ती हॉल आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना एंड फीडबैक देना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज।